नमस्कार। इस बार हम कोरोना वायरस का लाइव डैशबोर्ड बनाएंगे पावर बीआई यूज करके। इसका जो डेटा है वो हम जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के गिटहब साइट से लेंगे। वो रोज फाइल में एक CSV डेटा देते हैं। हमेशा हम डेटा पहले इंपोर्ट करते हैं पावर बीआई में डेस्कटॉप पे, फिर डैशबोर्ड बनाते हैं और पब्लिश करते हैं। इस बार हम इंपोर्ट जो करेंगे पावर बीआई वेबसाइट पे डेटा फ्लो यूज करके करेंगे। सो ये है पावर बीआई का वर्कस्पेस। उसमें हम नया डेटा फ्लो अभी बनाएंगे। उसमें एक नया एंटिटी ऐड करेंगे। इसमें डेटा सोर्सेस सब टाइप के हैं। CSV हम ले लेंगे। उसमें CSV का लिंक मैंने पेस्ट किया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अभी पावर क्वेरी जो पावर बीआई डेस्कटॉप में मिलता है वही चीज अभी वेब पे खुल गया। ट्रांसफॉर्म का मतलब साफ करें। अभी हमको देखना है कि इसमें से कौन से कॉलम हमको चाहिए, कौन से नहीं चाहिए। जो प्रोविंस और स्टेट है वो कॉलम नहीं चाहिए और लैट लॉन्ग भी नहीं चाहिए। कंट्रोल क्लिक सिलेक्ट और राइट क्लिक करके रिमूव। अभी पहला रो जो है उसको हेडर बोल के बताएंगे। अभी देखते हैं कि ये जो डेटा है सही है कि गलत है। आपने मेरा अगर पहले का वीडियो देखा होगा 10 नियम अच्छे डेटा के, तो आपको समझेगा कि इस डेटा में क्या प्रॉब्लम है। इसमें जो पहला कॉलम है वो अच्छा है, लेकिन दूसरे कॉलम से प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हेडर के अंदर ही डेटा आ गया है। एक्चुअली हेडर का नाम होना चाहिए था डेट और केसेस तीसरा कॉलम, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे कॉलम, हर एक कॉलम में डेट। ये तकलीफ वाली बात है, हमको उसको ट्रांसपोज करना है। तो कंट्री पे राइट क्लिक करके बोलेंगे अनपिवट अदर कॉलम। एक क्लिक में पूरा डेटा हो गया। लेकिन इसमें एक और बात है, कल परसों और एक कॉलम उसमें ऐड होने वाला है। तो देखते हैं कितने कॉलम इंपोर्ट हुए। अगर उधर जाके देखेंगे सोर्स पे क्लिक करके, तो समझ रहा है कि 126 कॉलम इंपोर्ट कर रहा है। क्यों? बिकॉज अभी के हिसाब से 126 कॉलम है, लेकिन कल 127 आने वाला है, तो ये नहीं चाहिए हमको। तो इस पैरामीटर को हम डिलीट कर देंगे। अभी कल परसों जब भी डेटा रिफ्रेश होगा तो पूरे के पूरे कॉलम आ जाएंगे। अभी लास्ट स्टेप पे वापस आते हैं। इनका नाम सिर्फ चेंज करना है। इसको बोलते हैं सी डेट और इसको बोलते हैं केसेस। अभी और एक चीज है, ये टेक्स्ट बोल के दिखा रहा है। इसका क्या करना है हमें? इसको हमें डेट बनाना है। डेट ऐसे नहीं बनाते हैं क्योंकि उसमें MMDDYY DDMMYY फॉर्मेटिंग का गड़बड़ होता है। तो यूजिंग लोकेल, इसका मतलब कंट्री और लैंग्वेज के हिसाब से। इसमें पहले भाषा आ रही है और उसके बाद देश का नाम आ रहा है। हमको चाहिए इंग्लिश US, तो वो सिलेक्ट किया। अभी मंथ डे ईयर फॉर्मेट बराबर है। अभी बोलते हैं सेव और क्लोज। अपना डेटा इंपोर्ट भी हो गया और साफ भी हो गया। इसको नाम देते हैं डेटा फ्लो को COVID-JH। क्वेरी जो नाम आया टेबल का वो अच्छा नहीं है, उसको जाके वापस एक बार अंदर जाके चेंज करेंगे। इसका नाम देते हैं कोविड डेटा और कोरोना डेटा CD। तो ये हमारा टेबल बन गया। कहाँ है ये टेबल? पावर बीआई के वेबसाइट पे अपने डेटा फ्लो में है। अभी हमको रोज ये डेटा चेंज होने वाला है, उसको रिफ्रेश करना है। तो सेटिंग में जाके रिफ्रेश ऑन करें। उसका कितने दिन पे होना चाहिए? हर दिन होना चाहिए। कौन से टाइम जोन के हिसाब से और किस टाइम पे? तो मैं सुबह 1 बजे का टाइम दिखा रहा हूँ। अभी ये रिफ्रेश अपने आप होते रहेगा। हम पावर बीआई डेस्कटॉप में आते हैं और गेट डेटा बोलेंगे। गेट डेटा मीन्स इंपोर्ट करें। इस बार हम CSV में नहीं करेंगे क्योंकि CSV में तो है ही नहीं डेटा। पावर प्लेटफॉर्म में जाएंगे और डेटा फ्लो चूज करेंगे। अभी ये वर्क स्पेस है, उसके अंदर
डेटा फ्लो है उसके अंदर अपना एंटिटी या टेबल है। तो सीडी हमको इधर तो कोई क्लीन करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने क्लीन कर दिया है। कंट्री है लेकिन उसको समझना चाहिए कि ये कंट्री है। ये नाम थोड़ा लंबा है उसको चेंज कर देते हैं। ये उधर ही वेबसाइट पे करना चाहिए था बट कोई बात नहीं, अभी के लिए यहाँ करेंगे। लेकिन और एक चीज़ करना है, पावर बी आई को समझना चाहिए कि ये देश का नाम है, ये डेट है और ये केसेस है। तो देश का नाम के लिए कैटेगरी चेंज करना है, कॉलम टूल कैटेगरी, उधर बोलना है कंट्री, काउंटी नहीं कंट्री, हो गया। अभी जो डेट है वो लंबा आ रहा है, 2020 में ही तो हो रहा है, तो हमको उसमें कुछ करना नहीं है। हम उसका फॉर्मेट सिर्फ चेंज करेंगे DDMMM, तो ईयर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमें आशा है कि 2020 के बाहर तो नहीं जाएगा, तब तक ख़त्म हो जाएगा। ये होने से अपना डेटा अभी परफेक्ट हो गया। अभी हम उसका रिपोर्ट बनाएंगे, विजुअल बनाएंगे। कौन से टाइप का विजुअल बनाते हैं, देखिए स्टैक बार चार्ट बनाने का कोशिश करेंगे पहले। उसमें क्या डालना है हमको, कंट्री डालना है एक्सिस पे, केसेस डालना है वैल्यू पे। हमको लगता है इससे काम होना चाहिए लेकिन अगर जाके देखें तो काम बराबर नहीं हो रहा है। डेटा लेबल्स मैंने ऑन कर दिया, अभी 1 जून का डेटा है, वो बोल रहा है US में 68 मिलियन, स्पेन में 13 मिलियन, उतना तो नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, डेटा बराबर नहीं दिखा रहा है क्योंकि उसमें हर दिन का डेटा है, वो 20 जान से लेके 1 जून तक का है, इसमें वो सब का टोटल कर रहा है, इसलिए ये गलत नंबर आ रहा है। उसको सुधारने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। हमको उसको बोलना है कि सिर्फ आज का डेटा लेके उसका टोटल करो, कल का परसों का डेटा का टोटल नहीं करना है हमको, उसके लिए एक नया मेजर बनाएंगे। पहले हमको पता करना है कि सबसे लास्ट डेट कौन सा है आज के हिसाब में। उसका ये ड्रॉप डाउन ओपन करेंगे और कंट्रोल दबा के स्क्रॉल करेंगे माउस से, तो थोड़ा फॉन्ट बड़ा रहता है। मैक्स डेट हमने मेजर का नाम बताया, आखिरी दिन कैसे समझता है, लास्ट डेट कौन से कॉलम में होगा, सी डेट, बस इतनी बात है, हो गया। अभी इसका वैल्यू क्या है हमको नहीं दिख रहा है, अभी तो हमने इसको यूज़ नहीं किया लेकिन हमको देखना है आज के हिसाब में क्या है मैक्स डेट। वो करने के लिए कोई डीबगिंग टूल नहीं रहता है पावर बीआई में, तो क्या करना है, एक कार्ड लेते हैं मल्टी रो कार्ड, उसके ऊपर उसको ड्रैग ड्रॉप करके डालेंगे। तो मल्टी रो कार्ड बनाया, मल्टी रो कार्ड जो भी डालते हैं वो दिखाता है, उसके ऊपर अभी दिख रहा है कि वो 1 जून बोल के आया है। अभी दूसरा मेजर बनाते हैं टोटल निकालने के लिए, उसको भी एक्सपांड करेंगे। इसमें शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो नेक्स्ट लाइन पे जाता है। तो पहले जो मैक्स डेट का वैल्यू है वो एक वेरिएबल में रखेंगे और रिटर्न क्या करना है हमको, पहले कैलकुलेशन करना है। सो ये सिंटैक्स है, रिटर्न ब्रैकेट में जो भी हमको कैलकुलेशन है वो डालना है। इसमें कैलकुलेट फंक्शन है, बहुत काम की चीज़ है कैलकुलेट। कैलकुलेट क्या करना है हमको, जो टोटल है किस चीज़ का टोटल है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, किस चीज़ का टोटल, सम ऑफ व्हाट, कोविड और सीडी केसेस। लेकिन ये तो अभी भी हो रहा है, इसमें फिल्टर करना है हमको, क्या फिल्टर करना है कि जो डेट है वो सिर्फ मैक्स डेट है वो लेना है। मैक्स डेट वो टेम्प में रखा है, अभी ये बनाएगा। अभी देखते हैं इसका वैल्यू क्या आ गया, ये भी इधर डालेंगे अपने मल्टी रो कार्ड पे देखने के लिए कि बराबर आया कि नहीं। तो ये ठीक लग रहा है, 1 जून के हिसाब से 6.2 मिलियन था, ठीक है अभी बराबर है। अभी ये जो हमने चार्ट बनाया इसमें हम केसेस नहीं डालने हैं, लेटेस्ट केसेस जो हमें अभी मेजर बनाया उसको डालते हैं, फिर देखते हैं कि ये सही हो गया। अभी ये चीज़ रोज चेंज होने वाला है रिफ्रेश होके, तो देखना, लोगों को समझना चाहिए कि कौन सा दिन का है और टोटल कितना है। तो वही चीज़ मैं मल्टी रो कार्ड में वापस डाल रहा हूँ, दिन दिखा रहा है, टोटल केसेस दिखा रहा है और हर एक कंट्री का पूरा टोटल दिखा रहा है। हमारे पास हर दिन का डेटा है 20 जनवरी से लेके आज तक, उसको भी दिखाएंगे कि ये डिसीज़ जो कोरोना है कैसे फैल गया देश भर और विदेश भर,
उसके लिए एक पहले लाइन चार्ट बनाते हैं। एक्सेस पे डालेंगे डेट, लेकिन हमको ग्रुप नहीं करना, ईयर क्वार्टर मंथ वो सब नहीं चाहिए, एक्चुअल डेट ही चाहिए। वो ड्रॉप डाउन ओपन करके सिर्फ डेट बोलना है, हायरार्की नहीं चाहिए। अभी इसमें जो एक्चुअल केसेस है वो डालने हैं। अभी ये ओवरऑल कैसे हुआ जैन से लेके आज तक ऐसे दिखा रहा है, उसमें हमको कंट्री भी डालना है। जब कंट्री डालते हैं तो कलर्स तो आता है, हर एक कंट्री का एक लाइन बनता है। हमको लगता है कि ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है। जब वो ब्लू कलर का आए बोल के आता है, इसका मतलब है ये लाइन चार्ट पूरा डेटा दिखा ही नहीं रहा है। बहुत सारे डॉट्स डालने हैं, उसको हो नहीं रहा। 3500 सिर्फ प्लॉट हो सकता है एक चार्ट में, लाइन चार्ट में। हमारे डेटा पॉइंट तो बहुत ज़्यादा है। अभी ये देखो, सबसे ऊपर तो US होना चाहिए, लेकिन ब्राज़ील दिखा है, सो ये गलत है। तो हमको क्या करना है, जो डेटा पॉइंट दिखा रहे हैं वो कम करने हैं। वैसे भी 100 कंट्री दिखा के क्या फ़ायदा, 100 लाइन तो समझने वाली नहीं है। तो हम जाते हैं कंट्री में, फिल्टर करेंगे टॉप एन मीन्स ऊपर के सिर्फ थोड़े से कंट्री। इस बार 20 लेते हैं। 20 किस हिसाब से, जितने केसेस हैं उसके हिसाब से, सबसे ज़्यादा केस किस में है, वैसे 20 कंट्री दिखाओ। अभी वो आए चला गया, इसका मतलब ये ठीक दिख रहा है। अभी ये US का डेटा है बराबर से, तो ये तो सही है, इसमें सब दिख रहा है। लेकिन इसको भी और थोड़ा बेहतर कैसे बनाए, तो बहुत सारे लाइन एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं, समझ नहीं रहा है क्या हो रहा। तो क्या करें आगे, आगे कैसे करते हैं, उसका जो लाइन चार्ट है उसके बदले में दूसरा कुछ करें। उसके लिए स्टैक्ड कॉलम चार्ट करते हैं। लाइन के बदले में ऐसे आता है, तो एटलीस्ट हमको समझ रहा है कि कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे जा रहा है, कौन सा कंट्री कौन से नंबर पे है वो देखना है हमको। उसके लिए एक स्पेशल चार्ट आता है, रिबन चार्ट बोल के। अभी देखिए, सेम डेटा है, स्टैक चार्ट जैसे ही दिख रहा है, लेकिन कुछ तो फर्क हो गया। इसका लेजेंड राइट साइड पर रखते, थोड़ा बड़ा करते तो कंट्री भी के नाम बराबर से दिखेगा। अभी ये जो मल्टी रो कार्ड था उसका ज़रूरत नहीं, उसको निकाल देंगे। तो अगर मैं एक जगह पे जाऊं और उसका नंबर देखूं, तो मुझे समझता है कि कैसे ये चल रहा है। चाइना एक नंबर पे है बोल रहा है, अभी US एक नंबर रैंक पे गया, अभी बोल रहा है ये जो इटली था वो 3 नंबर पे था, लेकिन अभी 4 नंबर पे आ गया, उसका रैंक 1 से कम हो गया। डेटा वही है, हमारा एफर्ट उतना ही है, लेकिन हमको प्रोपोर्शन भी समझ रहा है और उसका रैंक और नंबर भी समझ रहा है। क्या हम उसको और भी बेहतर कर सकते हैं, जहां लोगों को हम डिसाइड करने देंगे कि कौन सा डेट चाहिए। उसके लिए एक स्लाइसर डालते हैं। अभी ये स्लाइसर यहाँ ऊपर ऐसा एडजस्ट करेंगे। अभी उसमें क्या दिखा रहा है, स्टार्ट डेट और एंड डेट, बहुत टाइप का स्लाइसर होता है, हमको बिटवीन चाहिए। सो जो भी ये डैशबोर्ड को देख रहे होंगे वो बिगिनिंग डेट और एंडिंग डेट जो भी चाहिए वो सेट कर सकते हैं। जब वो हम चेंज करेंगे तो ये नीचे वाला चार्ट भी चेंज होगा। लेफ्ट वाला चार्ट चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमने मेजर यूज़ किया है जो सिर्फ लास्ट डेट का ही दिखाते रहेगा। सो हमने डेट चेंज किया, अभी थोड़ा कम हो गया डेटा, इसलिए इंडिविजुअल बार भी दिख रहा है। और ये दोनों का भी तालमेल है, अगर मैं लेफ़्ट साइड पे जाके कोई कंट्री सिलेक्ट करूँ तो इस बार वो कंट्री हाईलाइट होगी, अगर कंट्रोल दबा के क्लिक करूँ तो दूसरा कंट्री भी हाईलाइट हो रहा है। तो इससे बहुत अच्छी तरह से लोग समझ सकते हैं कि कोरोना कैसे आया, कौन से कंट्री में कम हुआ, कौन से कंट्री में ज़्यादा हुआ, किस दिन पर बढ़ा, किस दिन पर कम हुआ। अभी आप सोचते होंगे हम मैप क्यों नहीं यूज़ करें, मैप का गड़बड़ देखो, US का मिलियन में है, न्यूजीलैंड का 1000 में है, लेकिन उसका जो गोला है बबल उसका साइज तो गलत है। मिलियन और 1000 दिखना भी नहीं चाहिए 1000 वाला। सो मैप ये दिखाई नहीं पाता है, दिखने में अच्छा दिखता है लेकिन जो दिखा रहा है वो गलत होता है, इसलिए मैप नहीं यूज़ किया। अभी ये अपना रेडी हो गया, पब्लिश करते हैं वेबसाइट पे, पावर BI वेबसाइट पे। पहले क्या चूज़ करना है, वर्कस्पेस कोविड ट्रैकर। पब्लिश होने के बाद पहला जो है वो हमारा डेटा फ्लो है, सेकंड वाला जो है हमने जो रिपोर्ट बनाया और उसके साथ उसका डेटा वापस एक बार आता है। अभी ये रिपोर्ट हम वेब पे भी ओपन करके देख सकते हैं। आगे क्या करना है हमको, ये दुनिया के साथ शेयर करना है, रीड ओनली पब्लिकली अवेलेबल दिखाना है। एडिट बोले, फाइल मेनू में बहुत स्पेशल ऑप्शन है, पब्लिश टू वेब।
ये करने से क्या होता है, वो एक लिंक बनाएगा, उसको एम्बेड कोड भी बोलते हैं। ऊपर का है सादा लिंक है, एम्बेड कोड दूसरे वेबसाइट में डालना है तो है। ये कोड ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो अभी ये डैशबोर्ड जो भी वो लिंक दबाएगा उसको ये मिलेगा। इस तरह से पावर बीआई यूज होता है। सो इस बार सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।